आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी तीन एकांक सदिश इस प्रकार है कि बी और सी समांतर नहीं है तथा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू हाफ बी वेक्टर, तो ए और सी के मध्य कोण होगा। हम जानते हैं कि कोई सदिश एकांक सदिश तब होता है जब उसका परिमाण इकाई होता है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू वन। मॉडुलस मतलब परिमाण, तो सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण, सदिश सी का परिमाण इक्वल टू वन। अब बी और सी समांतर नहीं है, तो बी और सी समांतर नहीं है, इसका मतलब यह है कि बी क्रॉस सी जीरो नहीं होगा। बी क्रॉस सी जीरो नहीं होगा क्योंकि बी क्रॉस सी इक्वल टू बी सी साइन थीटा, तो थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू हाफ बी, तो हम जानते हैं ये हमारा सदिश गुणन है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू हाफ बी। इसका इससे हमने अदिश गुणन किया, फिर बी वेक्टर, फिर हमने इससे इसका अदिश गुणन किया, फिर वेक्टर सी इक्वल टू हाफ बी वेक्टर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि LHS में हमारा बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों हैं जबकि RHS में हमारा बी वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये कोफिशियंट जीरो होना चाहिए, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम इनकी तुलना कर सकते हैं, तो ए डॉट सी हमारा हाफ होना चाहिए। ए डॉट सी यानी अदिश गुणन है और अदिश गुणन की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर सी का परिमाण और एंगल का कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। अब वेक्टर ए का परिमाण एक, वेक्टर सी का परिमाण एक, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।